हमारे यहाँ होली बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कुछ दिन की छुट्टी मिली थी और घर वालों ने भी थोड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती की तो मैं भी चल पड़ा। असल में सपना ही कुछ ऐसा बना लिया हूँ कि कहीं भी जाने से पहले विचारना पड़ता है, चाहे वो घर क्यों ना हो। UPSC मेरे हिसाब से तो इंडिया में दो ही तरह के इंसान होते हैं, एक होते हैं IAS और दूसरे जो कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में IAS ज़रूर बनना चाहते थे। हालांकि IIT खड़गपुर में जिस तरह इंटर्न और प्लेसमेंट का हवा रहा है, उसमें अपने दिमाग को UPSC की तैयारी में लगाना मेरे लिए आसान नहीं रहा है। लोग तरह तरह की पोस्ट डाला करते हैं और मैं चुपके चुपके बस इंतज़ार करता हूँ जिस दिन IAS बन गया फिर तो एक पोस्ट करूँगा जो। खैर छोड़िए ये सब। शाम 4 बजे की ट्रेन पकड़ ली और 3 घंटे में कलकत्ता पहुँच कर एक और ट्रेन पकड़ा अपने घर के लिए बिहार। 8 घंटों की सफ़र थी, फिर सुबह को अपने शहर पहुँचना था। किसी तरह तत्काल की टिकट मिल गई थी तो सोते हुए ही आया था। सुबह जब रेल बिहार में घुसती है और आपका नींद टूटता है तो एक अलग ही अनुभव होता है। बिहारियों की आपस में गप शरक का, फिर कुल्ला करके वो राम प्यारी चाय पीना, फिर मंजिल के ठीक आधा घंटा पहले दरवाजे पे खड़ा होना और कान में ईयरफोन लगाकर बाहर का नज़ारा देखना। सच पूछिए तो उस लम्हे में जो भी विचार आपके जहन में आते हैं, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आप वही करना चाहते हैं। पर सबकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, हमारी भी हैं। घर पहुंचा तो माँ पापा के चेहरे पे जो खुशी थी वो हर बच्चे के लिए बेहद खूबसूरत नज़ारा होता है। दीदी और जीजाजी की शादी के बाद ही पहली होली थी, सो वो भी घर पर ही थे। होलिका दहन एक रात पहले ही हो चुकी थी और मेरे छोटे भाई बहन भी त्योहार को लेकर मगन थे। बस अगले दिन होली की आई और 3 दिन बाद मुझे खड़गपुर भी लौटना था। माँ ने बड़ी मेहनत और प्यार से पकवान बनाया होली के दिन, और बातों बातों में पकवान का आनंद लेते हुए शाम हो गया। शाम को हर बड़ों के पैर पर अबीर डाला और रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हुआ। इसी तरह होली बीती और बड़े आनंद से बीती, बड़े खुशी से बीती। 3 दिन बाद KGP लौटना था और माँ ने बोला था कि वो जाने समय लिट्टी बनाकर देगी मुझे। घर पर भी लोगों का जमावड़ा था और दुनियादारी की तमाम बातें शुरू होने लगी। मैं भी शामिल हो गया। शाम के 4 बज रहे थे और मुझे महसूस होने लगा कि 3 दिन और इसी तरह बातें करता रह गया तो मेरी तैयारी में बहुत बाधा आ जाएगी और पिछली मेहनत पर विराम लग जाएगा। तो मैंने पापा को बोला कि पापा पढ़ाई बहुत तेज़ी में करनी है और समय नहीं है मेरे पास, सो आज ही 8 बजे की गाड़ी से निकल लूँगा KGP। पापा सुनकर हताश ज़रूर हुए, फिर तुरंत खुद को संभाल कर बोले कि मुझे जो ठीक लगे मैं वही करूँ। कहीं ना कहीं समय के साथ कुछ सपने सिर्फ आपके नहीं रह जाते, कुछ समय बाद आपके परिवार का सपना भी वही हो जाता है। JEE के वक्त भी कुछ ऐसा ही था। मेरी आज ही निकलने वाली बात को पीछे की खिड़की से माँ ने भी सुन लिया था। बेचारी बिना कुछ बोले अपने रसोईये में चली गई। 8 बजे की गाड़ी थी और इस बार टिकट भी नहीं था, पर जब आप किसी सपने पर चल पड़ते हैं तो टिकट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। 7 बजने को थे और मैं सामान पैक करके निकलने को ही था कि माँ ने पसीने से तर होकर मुझे पॉलीथीन में पैक करके टिफिन का डब्बा पकड़ा दिया और बस इतना कहा कि लो बेटा खा लेना। मैं हैरान था और समझ चुका था कि इसमें क्या है। फिर माँ पिताजी दीदी जीजाजी को प्रणाम करके निकल पड़ा अपनी कर्मभूमि खड़गपुर। स्टेशन पहुंचकर ट्रेन पर बैठा और सोचने लगा कैसे तैयारी को आगे ले जाना है। पॉलिटिकल साइंस, प्री, मेंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंटरव्यू, इन्हीं सब का ख्याल आ रहा था।
एक अंकल जी की कृपा से साइड लोअर पर पैर फैलाने की तो नहीं, पर बैठने की जगह जरूर मिल गई थी। यूं ही सोच रहा था कि फिर मुझे भूख लग गई और याद आया कि माँ ने टिफिन तो दिया ही है। बैग से टिफिन निकाला और देखा तो उसमें लिट्टी ही थी। जैसे ही पहली लिट्टी को जुबान पर रखा तो मुझे माँ का वो पसीने से तर वाला चेहरा याद आ गया। फिर बड़ी गहरी चिंतन में डूब गया। अगर आप लोगों को लिट्टी बनाने की जानकारी हो तो ये पता होगा कि इसे बनाने में वक्त लगता है। और माँ ने जैसे ही मेरे निकलने की बात सुनी, उन्होंने कुछ नहीं सोचा और बस रसोई घर में लग गई। मेरे निकलते निकलते तक उसने सब तैयार करके मुझे दे दिया। सोचते सोचते मेरा चबाना ही जैसे रुक गया और मैं अपनी लिट्टी को देखने लगा। मुझे इस व्यंजन की कीमत का अंदाजा लगने लगा। ये महज एक लिट्टी नहीं थी, ये एक निशान बन चुकी थी माँ के हर त्याग की जो उन्होंने हमारे लिए किया। ऐसे लम्हों में मुझे IAS IPS के सपने सब छोटे लगने लगते हैं। माँ की ममता, प्यार, स्नेह, त्याग, उपकार आदि की बराबरी दुनिया में और क्या ही कर सकती है। कभी कभी सोचता हूँ कि कल को अगर अधिकारी बन भी गया तो क्या इस त्याग का कर्ज कभी अदा कर पाऊंगा। कतई नहीं। यहीं इस घड़ी में सोचने लगा कि जिंदगी में किन चीज़ों की असल में अहमियत है। सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किस हद तक उसका पीछा करना है, इसका निर्णय भी स्वयं मुझे ही करना होगा। बातें तो बहुत हैं पर अब नींद भी आ रही है। थोड़ा सो लेता हूँ, फिर कल से जिंदगी तो नया इम्तिहान लेगी ही। ना जाने किसका बोझ उठा रहा हूँ, ना जाने किसकी ख्वाहिशों के तले दब रहा हूँ, ना जाने ये सांस क्यों जा रही है, ना जाने ये नींद क्यों आ रही है। ये जो दुनिया जिसे मानता था अपना पराया हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरा अस्तित्व ही खो रहा है।